नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या सच में रश्मि और डेबोलिना बिग बॉस के घर में वापस आना डिजर्व करती हैं? जहां दोस्तों जिस तरीके से कल नॉमिनेशन टास्क और टास्क के दौरान रश्मि ने कहा कि ऑडियंस की डिमांड पे हमें बिग बॉस के घर में वापस बुलाया गया है कि ऑडियंस चाहते हैं कि हम दोनों बिग बॉस के घर में रहे। दोस्तों मैं रश्मि की बात समझ सकता हूँ क्योंकि रश्मि और शुक्ला जी के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो दिखने में बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा है और लोग उसे देखना पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन डेबोलिना को ऑडियंस की डिमांड पे वापस लाया गया है या डेबोलिना को बिना मतलब का बिग बॉस के घर में रखा गया है, आपको क्या लगता है? दोस्तों जिस तरह बिग बॉस का अभी गेम चल रहा है, सीजन को फास्ट फॉरवर्ड सीजन कहा जा रहा है और इस सीजन में बहुत सारे एलिमिनेशन भी हो रहे हैं, बहुत सारे वाइल्ड कार्ड एंट्री भी आ रही है, अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट देखने को मिल रहे हैं जहां दोस्तों, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट थे जो अच्छे थे फिर भी उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर जाना पड़ा और उससे भी डब कंटेस्टेंट को वाइल्ड कार्ड कंट्री करके घर के अंदर बुलाया गया। जैसे कि हम केसरी लाल की बात करें, नहीं तो हिमांशी खुराना की बात करें, इन सब कंटेस्टेंट को घर के अंदर लाके शेफाली बग्गा जैसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को घर से बेघर कर दिया, ये कोई समझने वाली बात नहीं रही। बुलिना और रश्मि को वापस बुलाने का मतलब ये था कि रश्मि और सिद्धार्थ के बीच का जो कनेक्शन था वो लोगों को दिखाए, लेकिन डेबोलिना को वापस क्यों बुलाए? मुझे ऐसा लगता है हिमांशु खुराना केसरी लाल के साथ डेबोलिना भी इस घर की वीकेस्ट कंटेस्टेंट है और जिस तरह से आने के बाद बोलने लगी कि बहू बन गए बेब, मुझे ऐसा उनमें कुछ दिखाई नहीं देता डेबोलिना में कुछ अलग कि डेबोलिना यहाँ पे घर में रही तो बिग बॉस की बहुत ज्यादा टीआरपी बढ़ेगी। डेबोलिना होती या नहीं होती तो भी बिग बॉस के घर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से कल रश्मि कह रही थी कि ऑडियंस की डिमांड पे हमें यहाँ पे बुलाया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि रश्मि देसाई की तो बात ठीक है लेकिन बिग बॉस के मेकर ने डेबोलिना को बुला के कुछ अच्छा खासा काम नहीं किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में बिग बॉस को डेबोलिना की जरूरत है या नहीं, आप जरूर बताएं मुझे नीचे कमेंट में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही। भारत माता की जय।